गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ क्लास फॉर क्लास 8 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कंप्यूटर. सो ओपन योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 7, जिसमें आप लोग का चैप्टर 1 दिया हुआ है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग. ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, आप लोग को नेटवर्क वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये जुड़ाव की बात कर रहा है. कंप्यूटर कैसे और कंप्यूटर से, नेटवर्क से, इंटरनेट से जुड़ता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या क्या हैं उसको पढ़ेंगे. नेटवर्क को करने के लिए, मतलब जुड़ने के लिए कंप्यूटर को किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसको देखेंगे. टोपोलॉजी क्या होती है उसको पढ़ेंगे. वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे वर्क करती है उसको भी पढ़ेंगे. नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरतें क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें क्यों हमें ज़रूरत है उसको भी पढ़ेंगे. नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क आर्किटेक्ट, प्रोटोकॉल. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइस विद ईच अदर सो दैट दे कैन एक्सचेंज डेटा इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग. जो भी हमारा प्रोसेस है जिससे हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे डिवाइसेस से या दूसरे कंप्यूटर से, ताकि हम डेटा को क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें, इसी को क्या कहेंगे, कंप्यूटर नेटवर्किंग कहेंगे. टू डू नेटवर्किंग वेरियस टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस प्रोटोकॉल्स एंड सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड. नेटवर्किंग करने के लिए बहुत तरह की हार्डवेयर डिवाइसेस प्रोटोकॉल्स एंड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, द कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर विथ विच कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर को जोड़े रखता है जिससे हम कम्युनिकेट कर सके दूसरे कंप्यूटर से. इट अलाउ अस टू शेयर द रिसोर्सेज एज अ कंपोनेंट कंप्यूटर एंड पेरिफेरल. ये क्या करता है, इन्हें अलाउ करता है कि ये अपने रिसोर्स, अपने डेटा को शेयर भी कर सकते हैं. तो कंप्यूटर नेटवर्क कुछ इस तरह से रहता है, जैसे कंप्यूटर है और प्रिंटर है और यहाँ पे सीपीयू है और ग्लोबली दिया गया है. ठीक है, तो मान लो कोई एक ही प्रिंटर है, तो अब उसमें अगर 8 कंप्यूटर दिए गए हैं तो कैसे हम उन्हें कनेक्ट करेंगे, कैसे एक ही सीपीयू से कनेक्ट कर सकते हैं या ग्लोबली हम कैसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं. द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली. कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो क्या कर सकता है, दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट भी कर सकता है, प्लस अपने कंप्यूटर पे इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली वर्क भी कर सकता है. ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड. ईच कंप्यूटर, अगर एक नेटवर्क बना हुआ है उसमें हर एक कंप्यूटर को नोड के नाम से जाना जाता है. द कंप्यूटर इन द नेटवर्क मे बी लिंक थ्रू द केबल, हब, स्विच, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मॉडेम और रूटर. जो कंप्यूटर है वो मे बी क्या हो, लिंक्ड हो केबल के द्वारा, स्विच के द्वारा या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मॉडेम, रूटर, इन सब के द्वारा जो है कंप्यूटर जुड़ा हुआ हो सकता है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट वर्क इन डिफरेंट वेज. नेटवर्क मे बी वेरी स्मॉल एज सिंपल एज इन अ रूम और दे मे बी कॉम्प्लेक्स एज अ ग्लोबल नेटवर्क लाइक द इंटरनेट. ठीक है, कहा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क बहुत तरह के हो सकते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क में भी इतने छोटे हो कि वो कंप्यूटर एक रूम में जो है सिंपली जो है मैनेज हो जाए, या मे भी इतने बड़े हो कि ग्लोबल नेटवर्क जो है वो उससे, मतलब ग्लोबल नेटवर्किंग उससे किया जा सके जैसे इंटरनेट. ठीक है, दे मे बी वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स और द ऑन द नेटवर्क. नेटवर्क में वायर के साथ भी कनेक्शन हो सकता है या वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है. नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है. कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेज कनेक्टेड ऑन अ नेटवर्क हेल्प इन रिसोर्स शेयरिंग. ठीक है, कंप्यूटर और अदर डिवाइसेज जो हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं ताकि वो किसमें हेल्प कर सके, रिसोर्स शेयरिंग, मतलब जो भी हमारे पास हैं डेटा वगैरह उन्हें शेयर करने के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं. इट हेल्प द यूज़र टू शेयर फाइल्स एंड हार्डवेयर डिवाइसेज सच एज प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा. ये हेल्प करता है यूज़र्स की ताकि वो फाइल्स को शेयर कर सके, या अगर हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेज में एक या दो हार्डवेयर डिवाइसेज जैसे प्रिंटर, स्कैनर, तो इन सब, मतलब सारे कंप्यूटर्स को एक प्रिंटर और एक स्कैनर से जोड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूज़ किया जाता है. कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंस्टेंट मैसेजिंग भेजने के लिए भी कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ किया जाता है. अब कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या हमें इनसे फ़ायदा हो सकता है.
The advantage of computer network are the information can be easily shared by the people. कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा क्या हो सकता है कि जो भी हमारे इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमें शेयर करने हैं वो बहुत आसानी से शेयर हो सकते हैं. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर. ये कहाँ कहीं ना कहीं क्या करता है, जो हार्डवेयर का कॉस्ट है उसे भी कम करता है. मान लो अगर एक ही प्रिंटर हम खरीदें और उससे हम सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दें नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू, तो हमारा दूसरा या तीसरा प्रिंटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका पैसा कहीं ना कहीं हमारे पास बचेगा. स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑन वन सेंट्रलाइज लोकेशन. इन्फॉर्मेशन जो है किसी एक कंप्यूटर में ज़रूर ना ज़रूर सेंट्रलाइज रहता है, मतलब वहाँ ज़रूर स्टोर रहता है. रिलेबिलिटी इम्प्लाइज बैकिंग अप ऑफ इन्फॉर्मेशन. इफ़ अ सिस्टम क्रैशेज देन द इन्फॉर्मेशन इज एसेसिबल ऑन अनदर वर्क स्टेशन फॉर फ्यूचर यूज़. ठीक है, रिलेबिलिटी जो है विश्वास कर सकते हैं हम कंप्यूटर पे. क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के बैकअप रखता है. अगर कोई भी एक सिस्टम क्रैश करता है तो मे बी कि क्या हो कि हमारा इन्फॉर्मेशन अदर दूसरे वर्क स्टेशन पे सिक्योर रहे फ्यूचर यूज़ के लिए. रिडक्शन इन इंस्टॉलेशन कॉस्ट. इंस्टॉल करने का कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है. यूज़र ऑथेंटिकेशन प्रोसेस टू सिक्योर द डाटा. यूज़र ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है वो किया जाता है ताकि डेटा क्या कर सके, सिक्योर किया जा सके. पीपल विल हैव द एसेसिबिलिटी टू ऑल द इन्फॉर्मेशन दे नीड टू गेट एंड शेयर थ्रू ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग विद सेव टाइम एंड मनी एंड इन पासिंग इन्फॉर्मेशन. पीपल जो है वो इन्फॉर्मेशन को अपने तक भी रख सकते हैं और अगर चाहे तो ईमेल्स और इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा अपने चीज़ों को शेयर करके अपना टाइम भी या पैसा भी बचा सकते हैं. नेटवर्क टर्मिनोलॉजी क्या होता है? सर्वर. अ सर्वर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ होस्ट कंप्यूटर. सर्वर क्या होता है? वो कंप्यूटर जिससे और सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हो, जिसको होस्ट कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है. इट कंट्रोल द एसेस टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन द नेटवर्क. ये क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के काम को कंट्रोल करता है. इट प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया फॉर द प्रोग्राम डेटा इन्फॉर्मेशन. ये जो सर्वर है, जो भी होस्ट कंप्यूटर रहेगा, जो भी पहला कंप्यूटर रहेगा जिससे और सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे हम अपने इन्फॉर्मेशन को या डेटा को या प्रोग्राम को स्टोर करके रख सकते हैं. द कंप्यूटर विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड अ डेडिकेटेड सर्वर. एक ऐसा कंप्यूटर जो एक तरह का कोई पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करे उसे डेडिकेटेड सर्वर कहा जाता है. अ कंप्यूटर विच मैनेजेस द प्रिंटर एंड डॉक्यूमेंट बीइंग प्रिंटेड इज कॉल्ड द प्रिंट सर्वर. एक ऐसा कंप्यूटर जो प्रिंटर डॉक्यूमेंट को मैनेज करे, जो भी उसे प्रिंट करना हो उसे प्रिंट सर्वर कहा जाता है. द कंप्यूटर विच स्टोर्स एंड प्रोवाइड द एसेस टू द डाटाबेस इज द डाटाबेस सर्वर. एक ऐसा कंप्यूटर जो हमारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करे और फ्यूचर के लिए हमें बाद में प्रोवाइड कराए, उन्हें डेटा बेस सर्वर कहा जाता है. द सर्वर विच मैनेजेस द नेटवर्क ट्रैफिक इज कॉल्ड नेटवर्क सर्वर. जो बहुत ज़्यादा कभी कभी हम सुनते हैं ना, सर्वर डाउन है, तो ऐसे सर्वर जिसको जो क्या करे, ऐसे सर्वर इस टाइम पे जो है वो नेटवर्क को मैनेज करे उसे क्या कहेंगे, नेटवर्क सर्वर. द कंप्यूटर विच डिलीवर द रिक्वेस्टेड वेब पेजेस टू आवर कंप्यूटर इज कॉल्ड अ वेब सर्वर. और ऐसा कंप्यूटर जो हमें क्या करे, वेब पेजेस को देखने में कंप्यूटर पे हमारी हेल्प करे, हमारे रिक्वेस्ट को, अगर हम कोई वेब पेज देखना चाहे उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करे, तो उसे हम वेब सर्वर के नाम से जानेंगे. ठीक है, क्लाइंट क्या होता है? इट इज़ अ कंप्यूटर विच डिपेंड ऑन द सर्वर फॉर ऑल द रिसोर्सेज. कंप्यूटर एक ऐसा क्लाइंट क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर जो कहीं ना कहीं सर्वर पे डिपेंड रहे हर एक रिसोर्स के लिए, चाहे वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म के लिए हो, चाहे कुछ प्रिंट आउट के लिए हो, चाहे वो स्टोर के लिए हो, चाहे नेटवर्क ट्रैफिक के लिए हो, चाहे वेब पेज रिक्वेस्ट के लिए हो. अगर कोई भी कंप्यूटर हमारा सर्वर पे जो है वो पूरा डिपेंड रहे उसको हम क्लाइंट कहेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ सर्वर might store a network version of Excel program. Every client on the network can access the Excel program from the server. ठीक है, जैसे example में दिया गया है कि अगर server के उसमें computer में Excel program दिया गया है, एक version दिया गया Excel program का, तो हर एक client जो है वो उस network का use करके अपने computer में Excel program को use कर सकता है. अब क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमें ज़रूरत पड़ती है नेटवर्किंग के लिए, मतलब जुड़ने के लिए, सर्वर से जुड़ने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? द कंपोनेंट नीडेड फॉर अ नेटवर्क आर. क्या क्या कंपोनेंट है? पहला है NIC,
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सेकेंड है हब या स्विच, ठीक है, हब या स्विच का यूज़ किया जाता है, थर्ड है रूटर, फोर्थ है मॉडेम एंड थर्ड है नेटवर्किंग केबल या इथरनेट केबल, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों का मतलब जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं उन्हें जोड़ने के लिए, जो भी हमारे नेटवर्क्स हैं उन्हें जोड़ने के लिए हमें इन पांच चीज़ों की ज़रूरत, इन पांच में से एक की भी ज़रूरत है। अगर वायरलेस है तब तो मॉडेम या रूटर का यूज़ हम कर सकते हैं, अगर वो वायरलेस नहीं है तो NIC इथरनेट केबल या हब या स्विच का यूज़ हम कर सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अब क्या होता है, इट इज़ एन एक्सपेंसिव कार्ड विच प्रोवाइड द नेटवर्क एसेस टू अ कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या करता है, एक एक्सपेंसिव कार्ड है जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है कंप्यूटर्स के बीच में। इट अलाउज द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क थ्रू अ वायर्ड और वायरलेस मीडियम। ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए, चाहे वो वायर हो या वायर्ड हो या वायरलेस मीडियम हो, मतलब जिससे भी हमें जुड़ना है वो वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का हम यूज़ कर सकते हैं उस नेटवर्क से जुड़ने के लिए। हब और स्विच क्या होता है, हब और स्विच इज हार्डवेयर डिवाइस दैट हैज़ अ वेरियस बॉक्सेस टू विच द कंप्यूटर, प्रिंटर एंड अदर नेटवर्किंग डिवाइसेज आर कनेक्टेड। हब और स्विच क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसमें बहुत सारे स्विचेस होते हैं, बहुत सारे प्लग्स होते हैं जिसमें हम कंप्यूटर, प्रिंटर, अदर नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, डायरेक्ट इज़ टू डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अराउंड द नेटवर्क एंड फैसिलिट कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द कनेक्टेड डिवाइस। जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके बीच में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है पास आउट करना जो है हब और स्विच का क्या कर सकते हैं, मेन फंक्शन कह सकते हैं। रूटर क्या है, इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट एंड फैसिलिटेट ट्रांसफर टू ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो क्या करता है, कनेक्ट करता है या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया जा सके दो नेटवर्क के बीच में। इट इज़ लोकेटेड एट द गेट वे वेयर टू नेटवर्क्स कनेक्टेड, वो उन किस जगह पे रखा जाता है जहाँ से दो नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है, उस गेट पे रखा जाता है। मॉडेम, मॉडेम क्या होता है, इट स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस, एक हार्डवेयर डिवाइस है दैट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर, जो क्या करता है, एक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है वियर टेलीफोन लाइन और अ वायरलेस मीडियम, चाहे या तो टेलीफोन लाइन से या तो एक वायरलेस मीडियम से कनेक्ट करने के लिए। इट कन्वर्ट डेटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, डेटा को डिजिटल एनालॉग में या फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है। ये डेटा को क्या करता है, डिजिटल से एनालॉग में या एनालॉग से डिजिटल में डेटा को चेंज करता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, जो प्रोसेस है जिससे एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में चेंज किया जाता है उस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, और अगर हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज कर रहे हैं ऐसे प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। नेटवर्क केबल, नेटवर्क केबल क्या है, नेटवर्क केबल ऑल्सो नोन एज इथरनेट केबल, इट इज़ अ ट्रांसमिशन मीडियम दैट अलाउज टू ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। नेटवर्किंग केबल क्या है, इसको इथरनेट केबल के नाम से भी जाना जाता है, जो ट्रांसमिशन मीडियम है जिससे क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट अलाउज टू ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन, जो क्या करता है, अलाउ करता है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरे प्लेस पे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग केबल सच एज टॉक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। तो नेटवर्किंग केबल्स भी बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे टॉक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, टोटल कितने हैं, 5 टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो हैं हमें इस बुक में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, इट इज़ अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इंटरकनेक्ट अ लार्जर नंबर ऑफ कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरल डिवाइस विद इन अ रेडियस ऑफ लेस देन 1 किलोमीटर। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूजली प्रेफर्ड फॉर अ स्मॉलर एरिया सच एज अ स्कूल बिल्डिंग, कंप्यूटर लैब एक्सेट्रा। द टोटल डायमीटर ऑफ LAN इज नॉट मोर देन 5 किलोमीटर, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ऐसा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम जो क्या करे, बहुत सारे नंबर्स ऑफ कंप्यूटर को लेकिन बहुत ज़्यादा रेडियस में ना हो, जैसे अगर कंप्यूटर 1 किलोमीटर के अंदर हो
बहुत सारे कंप्यूटर, तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए हम लैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मेनली ये जो है स्कूल बिल्डिंग या कंप्यूटर लैब में यूज़ किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर के बीच में 5 किलोमीटर से ज़्यादा जो डायमीटर है वो नहीं होता, डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क, ये क्या करता है, दो या दो से अधिक जो लोकल एरिया नेटवर्क है उन्हें जोड़ता है। जैसे मान लो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, इसी तरह एक और हुआ, इसी तरह एक और हुआ, तो उन तीनों के बीच में अगर हमें क्या करना है, नेटवर्क फॉर्म करना है, तो हम मैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंटेड जो एरिया नेटवर्क होता है वो कौन सा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो 5 किलोमीटर के अंदर आए या स्कूल बिल्डिंग या कंप्यूटर लैब में जितनी डिस्टेंस होती है ना कंप्यूटर्स के बीच में, उनके बीच में नेटवर्क फॉर्मेशन के लिए हम लैन का यूज़ करते हैं। अलग अलग लैन लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में अगर हमें जो नेटवर्क है वो फॉर्म करना है तो हम मैन का यूज़ करते हैं। जैसे देखो इसमें दिया है, यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क है, यहाँ पे भी लोकल एरिया नेटवर्क है, यहाँ पे लैन, यहाँ पे लैन, यहाँ पे लैन, अब इन पांचों को नेटवर्क प्रोवाइड करवाने के लिए हम मैन का यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर है वैन, इट इज़ अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इंटर कनेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर इन अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। ये क्या करता है, वैन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कंप्यूटर को जुड़ने में हेल्प करता है एक वाइड जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर बड़ा हमारा एरिया है, उन्हें कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वैन की ज़रूरत पड़ती है। दिस नेटवर्क में ऑपरेट ऑन अ वर्ल्ड वाइड और नेशनल वाइड बेसिस, ये जो है नेशनल वाइड बेसिस पे या वर्ल्ड वाइड बेसिस पे भी ऑपरेट करता है, ये काम करता है। इन सच टाइप ऑफ नेटवर्क देयर मे नॉट बी फिजिकल कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर, ऐसे मेनली सिस्टम में, ऐसे मेनली नेटवर्क में जो है फिजिकली हमें कोई वायर या ऐसा कुछ दिखता नहीं है, ये वायरलेस कनेक्शन होता है, ये वायरलेस नेटवर्क होता है। इन वैन टेलीफोन लाइन्स, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक एक्सेट्रा कैन बी यूज एज ट्रांसमिशन मीडियम, वैन में टेलीफोन लाइन्स, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक्स, ये सारे जो हैं ट्रांसमिशन मीडियम हो सकते हैं जिसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है। पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, दीज आर प्राइवेटली ओन नेटवर्क, पैन इज यूज टू इस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन अमॉन्ग्स द कंप्यूटर विद इन द रेंज ऑफ 20 to 30 feet, ठीक है। प्राइवेटली ओन नेटवर्क क्या होता है, पैन जो है स्पेशली कब किया जाता है, जब 20 to 30 feet के बीच में अगर आपको क्या करना है, नेटवर्क जो है वो बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पैन का यूज़ कर सकते हैं। ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। 20 to 30 feet कितना होगा, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पे दिखाया जाए, देखो एक कंप्यूटर है, इससे जो है नेटवर्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जैसे आपके घर में है, ठीक है। आप अपने घर में मोबाइल रखे हो, फ़ोन रखे हो, कंप्यूटर रखे हो, प्रिंटर रखे हो, और ये हब रखे हो या स्विच रखे हो, ठीक है। उन्हें उनके बीच में नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए, उनको उन पांचों चीज़ों को नेटवर्क देने के लिए हम पैन का यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन इज ऑल्सो नोन एज क्लस्टर एरिया नेटवर्क, कनेक्ट टू और मोर लैंड दैट आर लिमिटेड टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरियाज, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज कैंपस, ऑफिस बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है। कैंपस सी एन कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है, जिसको क्लस्टर एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है, ये क्या करता है, अगर लैन है, ठीक है, उनके बीच में अगर ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे अगर हम कॉलेज कैंपस की बात करें, कॉलेज कैंपस में कंप्यूटर के बीच में डिस्टेंस हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, मतलब अगर बिल्डिंग की भी डिफरेंस होती है, अगर अलग अलग बिल्डिंग में भी है तो भी वो एक पर्टिकुलर एरिया के बीच में, एक पर्टिकुलर कैंपस के अंडर आता है, जिसके वजह से उनके बीच में नेटवर्किंग पॉसिबल है। और उसी कैंपस में अगर मान लो एक बिल्डिंग में यहाँ पे कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर यहाँ है, तीसरा कंप्यूटर यहाँ है, चौथा कंप्यूटर यहाँ है, फोर्थ फिफ्थ कंप्यूटर यहाँ है, सिक्स कंप्यूटर यहाँ है, तो इनके बीच में एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया है, ठीक है, तो उनके बीच में नेटवर्किंग क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। अगर उनके बीच में नेटवर्किंग, जो भी नेटवर्क पॉसिबल हो रहा है, उसको हम किस नाम से जानेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क या क्लस्टर एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, कैन। अब कैंपस एरिया नेटवर्क इज लार्जर देन लैन, ठीक है, लैन से जो है बड़ा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा एरिया जो है वो कैन जो है वो कलेक्ट करता है, सिंस इट में स्पैन इन मल्टीपल बिल्डिंग विद स्पेसिफाइड एरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल बिल्डिंग्स में भी हमारा जो कंप्यूटर है वो रह सकता है, ठीक है, तो इस वजह से कैन जो है वो लैंड से कह सकते हैं ज़्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है।
तो नेटवर्क एरिया का हमने 5 टाइप्स पढ़ लिया। फर्स्ट क्या था, लैंड लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें हमारा हमारे आसपास अगर कंप्यूटर्स हैं 1 किलोमीटर के अंदर अगर हमारा रेडियस है, मतलब डिवाइसेस आ रहे हैं, तो उनके बीच में हमारा क्या हो सकता है, नेटवर्किंग पॉसिबल हो सकता है, जिसको हम लैंड के नाम से जानेंगे। मैन क्या है, जो छोटे छोटे लैन हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जिस नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है उन्हें मैन कहेंगे। वैन क्या है, जो वाइड वर्ल्ड वाइड एरिया या नेशनल वाइड एरिया पे जो भी हमारा नेटवर्किंग वर्क करता है, हमारा कंप्यूटर ऐड करने के लिए, हमारा कंप्यूटर जोड़ने के लिए नेटवर्किंग को, उन्हें हम वैन कहेंगे। पैन क्या कहेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनली हम घर में अगर मान लो नेटवर्किंग कर रहे हैं और हमें हमारे 5-6 जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो अगर कनेक्टेड हैं किसी नेटवर्क से, तो उन्हें हम पैन कहेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और कैन किसे कहेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क, अगर डिफरेंट डिफरेंट एक ही कैंपस में डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग में अगर कंप्यूटर्स रखे गए हैं, उनके बीच में अगर नेटवर्किंग करी जा रही है, तो उसे हम कैन के नाम से जानेंगे, जिसको इसका फुल फॉर्म क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क और क्लस्टर एरिया नेटवर्क। लेकिन कैन का फुल फॉर्म कैंपस एरिया नेटवर्क ही है। ओके, तो यहीं पे अभी हम लोग वीडियो को ओवर करते हैं, ठीक है। टोपोलॉजी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से स्टडी करिएगा, अच्छे से आप लोग रीड आउट करिएगा इस चैप्टर को। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप लोग अभी यूज़ करते हो, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट भी क्या है, नेटवर्किंग ही तो है। इंटरनेट आपके घर में तो है नहीं, वो कहीं ना किसी एक पर्टिकुलर सर्वर से आता होगा, और सर्वर से हर एक कंप्यूटर, हर एक मोबाइल, हर एक सेटेलाइट जो है वो क्या है, नेटवर्किंग के द्वारा कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोग कैन तक जो है आप लोग रीड आउट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को टोपोलॉजी से पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।